हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर बोल सकते हैं कैपिटल बजटिंग, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कंप्यूट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो स्टार्टिंग में ही बता दी है कि हमको क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी NPV विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, 1 लाख रुपये, 1 लाख। एंड नेट कैश फ्लोज ईयर 1 इज 55,000, यानी कि हमारा इस प्रोजेक्ट में जो पैसा जा रहा है वो कितना है, 1 लाख रुपये। तो इस प्रोजेक्ट का आउटफ्लो कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। अब हर साल कुछ ना कुछ पैसा आएगा, यानी कुछ ना कुछ इनफ्लो होगा, वो कितना है। तो पहले साल का इनफ्लो 55,000 है, दूसरे साल का इनफ्लो 80,000 है, एंड थर्ड ईयर का इनफ्लो 15,000 है, ठीक है ना। फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दे रखा है, कितना, 10%। तो ये हो गया हमारा PV फैक्टर। PV फैक्टर कितना है, 10%, और उसका हमें ये भी दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो होता तो हम कर लेते, और दे रखा हो तो मेरा एक मिनट जो है वो बच जाएगा। तो अच्छी बात है अगर आपके क्वेश्चन में ये दे रखा हो तो। तो चलिए कॉपी पर आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इस तरीके से एक स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए। चलो थोड़ा सा मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू का NPV का नोट से समझा दूँ। तो देखो NPV को सबसे अच्छा प्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मेट है। इसमें हम क्या करेंगे, ईयर, तो जो भी ईयर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 वो यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आएगा आपका पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे ये आउटफ्लो हो रहा है या फिर इनफ्लो, यानी कि जो पैसा जा रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे आउटफ्लो, जो पैसा आ रहा है उसको लिख देंगे अब इनफ्लो। उसके बाद पीवी फैक्टर, जैसे कि दे ही रखा था ये ना, 0.909, 0.826, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका कैश फ्लोज और आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, NPV का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, इसमें हम क्या देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा जा कितना रहा है यानी कि आउटफ्लो, और पैसा आ कितना रहा है यानी कि इनफ्लो। तो इसमें हम मेनली यही चाहते हैं कि जितना पैसा जा रहा है उससे ज़्यादा ही पैसा हमारे पास आए, तो आउटफ्लो हमारा कम जाए और इनफ्लो हमारे पास ज़्यादा आए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों की हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू, चाहे वो आउटफ्लो हो या फिर इनफ्लो, जितना पैसा जा रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो पैसा आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आउटफ्लो कम होगा इनफ्लो ज़्यादा होगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा आउटफ्लो ज़्यादा होगा और इनफ्लो कम, मतलब इस प्रोजेक्ट में पैसा ज़्यादा जा रहा है और इनफ्लो यानी कि पैसा आ कम रहा है, तो उसका NPV आ जाएगा निगेटिव और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई दिया है, ये सारे कैश फ्लोज होंगे और इनका हम क्या कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू से इनटू कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कौन सा आ जाएगा, आउटफ्लो का, और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो का। फिर हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, बी में से ए माइनस कर देंगे, यानी कि इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देंगे। तो अगर इनफ्लो ज़्यादा होगा आउटफ्लो कम, तो फिर ये आ जाएगा पॉजिटिव NPV और हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, जितनी भी छोटी छोटी बातें वो सारी लिखी हैं। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप ऐप पर अवेलेबल है, आप ले सकते हो, ठीक है ना। चलो स्टेटमेंट तैयार कर लिया आप लोगों ने और साथ के साथ मैंने आपको समझा भी दिया, अब फटाफट लिख देते हैं। स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ NPV ईयर, ईयर सबसे पहले आपका ज़ीरो और यहाँ पर लिखते हैं आउटफ्लोज। तो इस प्रोजेक्ट में हमारा आउटफ्लो यानी कि पैसा जा कितना रहा था, 1,00,000 रुपये। तो ये आ गया 1,00,000 रुपये, ठीक है। पीवी फैक्टर कितना था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका था 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा 10%। अभी ज़ीरो ईयर है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू ये आ जाएगा 1,00,000 × 1,00,000। तो इतना पैसा हमारा गया है, ये क्या है आउटफ्लो, इसलिए अब इस किस में जाता है, माइनस में, ठीक है। आउटफ्लो है यानी कि पैसा जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका, ये पैसा हमारा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। देखो 3 साल है ना, 55,000, 80,000 और 15,000। और ये सब क्या है, ये इनफ्लोज है यानी कि पैसा आ रहा है, ये भी इनफ्लोज और ये भी इनफ्लोज, ये सब पैसा आ रहा है। पहले साल में कितना पैसा आ रहा है, 55, सेकंड में 80 और लास्ट में 50। तो 55,000, 80,000 और ये लास्ट हमारा 15,000। अब बस क्या करना है, पीवी फैक्टर लिखना है और इसका इंटू करके यहाँ पर आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 0.901, 909, 0.826 और 0.751। वैसे मोस्टली 10% का तो हमें इतनी बार क्वेश्चन करते हैं तो याद ही हो जाता है, 0.909, 0.826 और 0.751। अब ये हमारा इनफ्लो हो गया, ये हमारा पीवी फैक्टर आ गया, फटाफट इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 55,000 × 0.909 ये आ गया 4,995। 80,000 × 0.826 ये आ गया 66,080। फिर आ गया 15,000 × 0.751 ये आ गया 11,265, ठीक है। ये सारे जो भी है ये इनफ्लोज हैं और इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम इनफ्लो का टोटल ले लेते हैं, 11,265, ये तो हमारे कैलकुलेटर पर है ही है, 66,080 प्लस 4,995 ये आ गया 1,273,40। अब आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा कि हमारा जो इनफ्लो है वो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, क्योंकि इनफ्लो 1,27,000 है, 1,27,000 और आउटफ्लो है हमारा 1,00,000। तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि ये कौन सी NPV आएगी, पॉजिटिव NPV, और कितनी आएगी, माइनस कर लो बी में से ए माइनस कर लो, ये आ जाएगी 27,340 और ये कैसी आई है, पॉजिटिव NPV। तो इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि जो पैसा है वो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है और हमारे पास से पैसा कम जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक लास्ट में एक लाइन भी लिख देनी है, मैं यही छोटी छोटी लिख दे रही हूँ, आपको एक अच्छे से लिखनी है, ठीक है। सिंस NPV ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, कंपनी को क्या करना चाहिए, द कंपनी शुड एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट। और यही NPV अगर निगेटिव आ जाती तो यहाँ पर लिख देते NPV ऑफ द प्रोजेक्ट इज निगेटिव, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी शुड रिजेक्ट दी प्रोजेक्ट। तो हमें सजेशन देना चाहिए तो वो हम लास्ट में दे देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, NPV कैलकुलेट करना था, क्या करना है, इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट करना है, इससे बेस्ट रहेगी आपकी प्रेजेंटेशन और एक भी मार्क कट नहीं सकता। और बस कैलकुलेशन में क्या करना है, आउटफ्लो देखना है और इनफ्लो,
आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, फिर इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देना है और आपका एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट, और निगेटिव आया तो रिजेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और उसकी प्रेजेंटेशन भी समझ में आई होगी। तो इसके लिए मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड यार डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन भी इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज़।